ये आपकी नई फिल्म आ रही है, किस जी तरह की फिल्म है, किस तरह? मेरे हिसाब से अगर इसको क्लासिफाई करना ज़रूरी है तो मैं कहूँगा कि ये एक जिसमें कई लाइट मोमेंट्स भी हैं, कई सीरियस मोमेंट्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से एक फैमिली ड्रामा है। थ्रूआउट द फिल्म आपको क्या लगा, वर्किंग ऑन इट कैसा रहा, क्या आप खुश थे एंड रिजल्ट से? मैंने एक इससे पहले एक पिक्चर की थी कुंजन कुंदन जी के साथ, लवेरिया नाम की, जो एक टोटल कॉमेडी है। और जब कुंदन जी ने मुझे ये सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा कि वो चाहेंगे कि मैं ये रोल करूं, क्योंकि ये काफ़ी अलग टाइप का रोल है। इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर अगर आप एक किस्म का रोल करें तो आपको या आप एक किस्म के रोल में थोड़े बहुत सक्सेसफुल हों तो आपको उसी टाइप के रोल्स के ऑफ़र आते हैं, लेकिन एक ही डायरेक्टर के साथ एक ही टाइम पर दो अलग रोल्स करने का मौका ज़्यादातर नहीं मिलता। तो उस वजह से मैं बहुत एक्साइटेड था, और मेरे ख्याल से पहली बार कुंदन जी एक ऐसा कमर्शियल सब्जेक्ट डायरेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इसके पहले उन्होंने या तो कहानियाँ अपने आप लिखी थी या अपने काफ़ी पुराने कनेक्शंस के साथ स्क्रिप्टों पे काम किया है। लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इस बार पहली बार उन्होंने एक मेन स्ट्रीम कमर्शल फिल्म डायरेक्ट करने की डिसीजन ली, और मुझे लगा कि एक इतना इंटेलिजेंट डायरेक्टर एक कमर्शियल स्क्रिप्ट को लेकर क्या करेंगे, देखने में बहुत मज़ा आएगा। आया मज़ा जी, बहुत आया, उनके साथ काम करते वक्त हमेशा आता है। एक इतनी यंग टीम, रॉकी, प्रीति, आप सब काम करते हैं, किस तरह का ये रहता है सेट पे, क्या एक इज देयर अ वाइब्रेंसी टू द होल फिल्म एंड द एटमॉस्फेयर ऑन द सेट? यंग और ओल्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को प्रोफेशनल होना चाहिए और अपने काम में इंटरेस्ट होना चाहिए। मैंने कई ऐसे फिल्में की हैं, खैर वो बात छोड़ो, लेकिन सब लोग जो इस पिक्चर में काम कर रहे हैं उनको अपने काम से बहुत इंटरेस्ट है, और जब काम से इंटरेस्ट है तो काम हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। और मतलब इंटरेस्ट इससे नहीं बढ़ती है कि आप क्या कर रहे हो ऑफ द सेट, क्या कर रहे हो कि हंसी मजाक क्या कर रहे हो, काम करते वक्त, सीन्स करते वक्त, डायरेक्शंस लेते वक्त हमें काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि हमें लगा कि हम जो कर रहे हैं इतनी आम चीज़ नहीं है, थोड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो साथ में काम करते वक्त बहुत मज़ा आया, जो दिखता है मेरे ख्याल से स्क्रीन पर, लेकिन ये पिक्चर कॉमेडी नहीं है। नहीं, मैं आई एम ऑलवेज शॉक्ड व्हेन आई सी द अमाउंट ऑफ म्यूजिक दैट पीपल डू, बिकॉज आवर म्यूजिक डायरेक्टर हैज़ टू डू सो मच म्यूजिक, एवरी म्यूजिक डायरेक्टर हैज़ टू डू सो मच म्यूजिक। बट टिप्स की फिल्मों में अगर आप देखें, कच्चे धागे एक राजस्थानी टाइप की कहानी थी, जब प्यार किसी से होता है इज़ अर्बन फिल्म, एंड क्या कहना इज़ हिल स्टेशन मूवी जियोग्राफिकली, एंड ऑल द म्यूजिक सूट्स लाइक कच्चे धागे हैड नुसरत फ़तेह अली खान डूइंग वेरी यू नो पोएटिक सूफी बेस्ड काइंड ऑफ म्यूजिक, अगेन विद ब्लेंडेड विद कमर्शियल मेन स्ट्रीम स्टाफ, एंड दिस फिल्म इज ऑल्सो द म्यूजिक इज टोटली सूटेड टू इट, बिकॉज सम ऑफ इट इज़ वेरी फैमिली ओरिएंटेड, इफ म्यूजिक कैन बी फैमिली ओरिएंटेड, यू नो व्हाट आई मीन, like when the whole family sits and sings songs and stuff like this, very light feeling good kind of melodious songs which can tilt towards sadness also and happiness, and a sort of a light young score which is totally suited to the kind of story that they are telling. Well, we shot our songs in Switzerland, so obviously I don't know how different that is, but the different thing is Kundan ji ne jab Switzerland mein shooting ki to unhone janbujh ke aise locations pe shots liye jo Ooty se complete match hote hain, to aapko lagega nahi jab aap picture dekhenge ki ye log vilayat ja ke ye gana karke aaye,
you'll say that where is this beautiful clean part of India, which is nice. It looks like Ooty. Ooty is very beautiful also. Any interesting song picturization that you liked or you know, thought was different? Well, actually, my favorite song on the album is In Kadmo Ke Niche. But I'm not sure that that's going to be in the film or not yet. That's the most catchy song, according to me. And that's one of the most sort of best picturized songs. And it lifts the whole picture. And that's been shot in all over the world. And but that's not the point. The point is not that it's been shot all over the world. The point is it looks like it's been shot in India. But it's glorious in color and in and the tune itself. Well, I think that a good commercial Hindi movie has to appeal to various kinds of people in India. You can't just have a certain one-track kind of movie. And it's always, to my mind, been difficult to have songs in films. But Kundanji is like really talented at making these songs fit the script. Sometimes even the lyrics of his other movies are not very song-type lyrics, but very linked to the script. You know, they'll contain lines that are relevant to the story. So if you've been watching the film, you'll understand. Out of context, it might not make so much sense. But similarly with this film, I mean, the songs have been blended in perfectly. And I don't know, it might seem a bit of a sort of funda type thing to say, but I feel at the end of every sort of episode in the movie, the song kind of winds up how everyone is feeling and kind of reminds the audience what all has happened in the last episode, you know? Tips, I think, are tremendously knowledgeable, and they experiment quite a lot, and I don't think they're prepared to spend lots and lots of money on getting the right song. I've done one film with them before, and but more than the film I've done, I think even Jab Pyar Kisi Hota Hai made them even more famous as producers, because it took a lot of guts to publicize the film the way they did. And so they really go and get what they want. Like I said, Kachche Dhaage had that Rajasthan feel because it suited the film. This film has songs that that are sort of about college, you know, about that age group, perfectly suited to a hill station and the kind of story we're making. And I think they have a reputation. You don't need me sitting here saying it's amazing, because I think their track record speaks for themselves that they won't publish an album unless it is satisfactory. And if it's satisfactory, it must be very good. I mean, they have that reputation. Okay, thanks, Sif. Sure, thank you.